हाय गाइस, मैं हूं अर्चना एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सब अपना अपना ध्यान रख रहे हैं। सो गाइस, थंबनेल देखिए आपको पता चल गया होगा जो आज का वीडियो है, इट्स ऑल अबाउट लहंगा। हाउ यू कैन स्टाइल वन पर्टिकुलर लहंगा सेट इन मल्टीपल वेज और उसे आप पहन सकते हैं। आप किस तरीके से अपने एक लहंगा सेट को अनेक वे में स्टाइल कर सकते हैं और उसे दोबारा पहन सकते हैं, वो सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर लहंगा सेट लिया हुआ है जो कि मैंने अपने रिसेंटली एक फैमिली फंक्शन हुआ था उसके लिए बनवाया था, और फिर अगर मुझे ये दोबारा जल्द ही में पहनना होगा तो मैं उसे किस तरीके से डिफरेंट वे में स्टाइल करके पहनूंगी ताकि ऐसा ना लगे कि मैं सेम आउटफिट रिपीट कर रही हूँ, वो सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये जो लहंगा है इसके 10 लुक किए हुए हैं। मैंने इन 10 लुक में डिफरेंट टॉप ऑप्शन यूज किए हुए हैं। तो ये सारे टॉप ऑप्शन मोस्टली हम सबके पास होते हैं वार्डरोब में, बस थोड़ा सा देखना पड़ता है और उसे किस तरीके से स्टाइल करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और एकदम नया आउटफिट लगने लगता है इन सबको यूज करके। फिर मैंने यहाँ पे ब्लाउज के 3 लुक्स किए हैं। अब ब्लाउज को आप एथनिक स्कर्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं और दूसरे लहंगे के साथ भी यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि ये ऑलरेडी एक लहंगे का ब्लाउज था तो मैंने यहाँ पे 3 साड़ियां ली हुई हैं। तीनों साड़ियां एक दूसरे से एकदम अलग हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस तरीके से आप हैवी ब्लाउजेस को अलग अलग साड़ियों के साथ यूज कर सकते हैं, चाहे वो लाइट साड़ी हो या हैवी साड़ी हो या सिल्क की साड़ी हो, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। एंड नीडलेस टू से आप दुपट्टे को तो अलग अलग वे में यूज ही कर सकते हो, चाहे आपको सूट के साथ पहनना हो दोबारा या लहंगे के साथ पहनना हो। तो मैंने यहाँ पे दुपट्टे के भी 2 लुक शो किए हुए हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा हो लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे अगर आपको फ्यूचर में इस तरीके के लुक करने हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, फॉर द फर्स्ट लुक मैंने अपने लहंगे को पेयर किया हुआ है व्हाइट जॉर्जेट शर्ट के साथ। आप चाहे तो कॉटन की शर्ट भी ले सकते हैं, आप चाहे तो कोई कलर्ड शर्ट भी ले सकते हैं, बट व्हाइट के साथ ये होता है कि एक सेफ ऑप्शन हो जाता है और व्हाइट एक ऐसा कलर है जो आपके हर कलर के साथ बहुत अच्छे से जाएगा, यू विल नॉट गो रॉन्ग विद व्हाइट कलर। तो मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर की जॉर्जेट शर्ट ली हुई है। ये शर्ट मैंने काफ़ी पहले ग्लोबस से ली थी, आई थिंक 5-6 साल पुरानी ये शर्ट है। आप चाहे तो मेन शर्ट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास व्हाइट या ब्लैक में भी अगर है तो वो भी आप पहन सकते हैं। ब्लैक भी एक आई थिंक बहुत अच्छा कलर निकल के आएगा, एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट देगा। आपको करना क्या है, शर्ट को आपको फ्रंट से टाई करना है। आप चाहे तो शर्ट को ही एज इट इज टाई कर सकते हैं या फिर आप रबर बैंड की हेल्प से शर्ट को नॉट कर सकते हैं और उसे अंदर को टक करना है। तो टक करने के बाद एक क्रॉप्ड शर्ट का लुक आ जाता है और काफी अच्छा लुक लगता है और लुक काफी एलिगेंट लगता है। और एक्सेसराइजिंग के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक नेक पीस यूज किया हुआ है। अगर आप लॉन्ग में नेक पीस यूज कर रहे हैं तो आप उसे शर्ट के बाहर से पहन सकते हैं, बट मेरा जो नेक पीस था वो गले से लगा हुआ है तो मैंने उसे शर्ट के अंदर ही रखा है, कॉलर के अंदर रखा है, वरना आप कॉलर के बाहर से पहन सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा एक्सेसराइजिंग की जरूरत नहीं है बिकॉज फुल स्लीव का शर्ट है, एक अच्छा खासा इंडो वेस्टर्न लुक है और काफी कूल लुक है और बहुत ही ज्यादा आई थिंक हमने देखा भी हुआ है ये लोगों का करा हुआ लुक, और ये लुक आई थिंक अभी भी ट्रेंडी है और अभी भी बहुत अच्छा लगता है। तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर समथिंग लाइक दिस जो बहुत ही लाइट हो, बहुत ही एक्सपेरिमेंटल हो, येट बहुत ही इंडो वेस्टर्न और अच्छा लुक स्टैंड आउट करता है। आप चाहें तो मांग टीका लगा सकते हैं, बालों के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो बन बनाएं या ओपन रखें एज पर योर विश। गाइज, अगले लुक में मैंने अपने लहंगे को पेयर किया हुआ है एक स्वेटर के साथ, और ये लुक मैंने एक पॉपुलर ब्लॉगर को करते हुए देखा था इंस्टाग्राम पे और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और तब से मैं ट्राई करना चाह रही थी। तो मैंने यहाँ पे अपने लहंगे के साथ जो मैंने इंट्रो में स्वेटर पहना था वही यूज़ किया हुआ है, और मैंने स्वेटर के ऊपर से बेल्ट लगाई और फिर अपने स्वेटर को बाहर की तरफ पुल आउट कर लिया। तो जब हम स्वेटर को बाहर की तरफ निकाल लेंगे तो एक जो क्रॉप्ड स्वेटर का लुक होता है उस तरीके से ये लुक आप देख सकते हैं बन गया। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही ट्रेंडी लुक लगा मुझे ये, और कितना कंफर्टेबल है। अगर आप विंटर सीजन में ऐसा कुछ पहनना चाह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, आप कुछ खुला नहीं पहनना चाह रहे हैं, आप थोड़ा कवर्ड पहनना चाह रहे हैं और आप सर्दी से बचना चाह रहे हैं, तो आई थिंक इस तरीके का लुक आप बहुत ही ईजिली कैरी कर सकते हैं। आप अपने लहंगे से जाता हुआ एक स्वेटर ले लीजिए और उसे बहुत अच्छे से पेयर कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजिंग भी नहीं करी है बिकॉज मेरा स्वेटर में इतना शिमर है, सीक्वेंस वर्क किया हुआ मेरे स्वेटर में, लहंगे में पूरा सीक्वेंस है, तो इतना मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजिंग की जरूरत है। मैंने बस कानों में स्टड्स पहने हुए हैं और हाथों में फिंगर रिंग पहन ली, पूरा लुक एज इट इज कंप्लीट कर लिया। आप चाहें तो हेयर डू के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे बन ही रखा हुआ है बिकॉज पूरा स्वेटर की भी नेकलाइन क्लोज है और आई थिंक बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं थी। ये लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग भी मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा एंड वुड यू लाइक टू ट्राई समथिंग लाइक दिस और नॉट। गाइस, मैंने थर्ड लुक के लिए अपने लहंगे के साथ पेयर किया हुआ है ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप। आपको इस तरीके का क्रॉप टॉप बहुत इजीली कहीं भी मिल जाएगा, मैंने ये मिंत्रा से मंगाया था, आप चाहें तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी अवेलेबल है और काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस में है। और इस तरीके का एक ब्लैक क्रॉप टॉप होना ही चाहिए बिकॉज ये बहुत ईजिली आप इसे अपने बहुत सारे आउटफिट के साथ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छे इंडो वेस्टर्न आउटफिट आपके
लुक क्रिएट हो जाते हैं इस तरीके का, अगर क्रॉप टॉप रहता है एक बैकअप में तो ये बहुत हैंडी रहता है। मतलब आपके एंड मोमेंट पे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने डेनिम के साथ अपने अलग बॉटम्स के साथ इसे पेयर करके बहुत अच्छे अच्छे लुक क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक्सेसराइजिंग में, क्योंकि मैंने पूरा सॉलिड है, ब्लैक कलर है, मतलब पूरा सिंगल टोन है, तो मैंने हैवी नेक पीस क्रिएट करने की कोशिश करी हुई है। मैंने यहाँ पे दो नेक पीस पहने हुए हैं, एक मैंने लेयर्ड कुंदन नेक पीस पहना है, दूसरा मैंने कुंदन नेक पीस पहना है जिसमें एक पर्ल की लेयर भी है और वो ग्रीन और वाइट उसमें कुंदन का वर्क किया हुआ है, और मैंने स्टोन वर्क की फिंगर रिंग भी पहनी हुई है। तो आई थिंक इतना मुझे इनफ लगा और मुझे काफ़ी अच्छा लुक ही अगेन लगा, जैसे एक रैम्प काइंड ऑफ जो लुक होता है, अच्छा सा इंडो वेस्टर्न लुक, बहुत ही हैवी नहीं है, बहुत लाइट नहीं है, एक बैलेंस्ड लुक मुझे ये लगा। और अगेन बन हेयरडू मैंने यहाँ पे किया हुआ है, एंड डू लेट मी नो आपको ये लुक कैसा लगा। गाइस अगले लुक में मैंने अपने लहंगे को पेयर किया हुआ है इस ब्लाउज के साथ, और ये ब्लाउज मैंने बनाया था अपने कॉलेज टाइम में अपने एक प्रोजेक्ट के लिए, जब मैं वहाँ पे फैशन डिजाइनिंग कर रही थी तो वहाँ पे अपने एक लहंगे के साथ मैंने इस ब्लाउज को बनाया था। और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, अगर आप नेकलाइन देखें तो वो काफ़ी अच्छी है, और स्लीव पे भी बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग डिटेल की हुई है, इसे फरोइंग बोलते हैं, और ये बहुत ही मतलब टाइम लेके बनती है, बहुत ही टाइम लगता है इसे इस तरीके से करने में, छोटा छोटा आपको फैब्रिक गैदर करना पड़ता है और इस तरीके से ये डिटेल क्रिएट होती है। तो ये मुझे ब्लाउज इसके साथ काफ़ी अच्छा लगा जाता है, बिकॉज रेड और ऑरेंज का भी कॉम्बिनेशन होता है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो मैंने इस ब्लाउज को इसके साथ पेयर करके देखा और ये आई थिंक ये लुक काफ़ी अच्छा निकल के आया। बस अभी आप जो कैमरे पे जो ब्लाउज का कलर देख रहे हो बहुत ही रेडिश लग रहा है, बट जो एक्चुअल कलर है वो थोड़ा पिंकिश मरून के टोन में है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पिंक कलर में कुंदन ईयरिंग्स पहने हुए हैं जो इसके साथ काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और आप जैसे कि मैंने बोला कि इसकी नेकलाइन और स्लीव से बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल है, तो मैंने इसलिए दुपट्टे को इस तरीके से कैरी किया है कि कोई भी डिटेल छुपे ना, मतलब अगर मैं इसे नेकलाइन पे लेती तो मेरी नेकलाइन ढकती, अगर मैं इसे खुला लेती तो मेरी स्लीव्स ढक जाते, स्लीव का जो मेरी डिटेल है वो छुप जाती, इसलिए मैंने दुपट्टे को इस तरीके से लिया है कि मेरा लहंगा भी बहुत अच्छे से दिख रहा है और जो मेरा ब्लाउज है वो भी मैं अच्छे से फ्रॉन्ट कर सकती हूँ। और मैंने सेम लहंगे के दुपट्टे को यूज़ किया हुआ है बिकॉज आई थिंक ये इसके साथ परफेक्टली जा रहा था। तो इस तरीके से आप अपने अलग तरीके के ब्लाउजेस को भी अपने लहंगे के साथ पेयर कर सकते हैं, जो आपके दूसरे लहंगे के हों या आपके कोई साड़ी का इंटरेस्टिंग सा ब्लाउज हो तो आप उसे भी अपने लहंगे के साथ अच्छे से पेयर कर सकते हैं और एक अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेम ब्लाउज पहना हुआ है, बस मैंने किया क्या है, मैंने ऊपर से एक अनारकली श्रग ऐड किया हुआ है। ये अनारकली श्रग की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैंने ये अनारकली मेरा एक कुर्ता था उससे ये श्रग क्रिएट किया था और इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो किया हुआ है, अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। और मैंने इस अनारकली श्रग में बहुत सारे लुक्स किए हुए हैं, मैंने बताया मैंने इसे कैसे क्रिएट किया, मैंने इसे पहले किन किन तरीकों से स्टाइल कर चुकी हूँ, तो इस पर बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आप चाहें तो वो ज़रूर देखें और उसमें भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ देखने को मिलेंगे एक श्रग को स्टाइल करने के और एक अनारकली को स्टाइल करने के। तो अभी इस वीडियो पे आते हैं, तो यहाँ पे मैंने आप जैसा कि बोला कि इसी ब्लाउज़ के साथ मैंने बस इस अनारकली श्रग को पेयर किया हुआ, मुझे काफ़ी अच्छा लुक लगा, मुझे बिल्कुल मस्तानी वाली फील आ रही है, जो बाजीराव मस्तानी में दीपिका का लुक था थोड़ा थोड़ा वैसी वाली फील आ रही है और काफ़ी अच्छा लगता है। आई थिंक अगेन ये विंटर्स के लिए बहुत अच्छा लुक है, एक आपको एक एडेड लेयर मिल जाती है और एक कवरिंग मिल जाती है जिससे आप ठंड से बच सकते हैं और एक कंफर्टेबल इंटरेस्टिंग सा लुक भी क्रिएट हो जाता है आपका, और एक अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट भी ऐड हो गया है वाइट और गोल्ड का मेरे इस लहंगे के साथ। और अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग आउटफिट, मतलब जो मेरा लहंगा था आई थिंक ये एकदम ही अलग लुक दे दिया है इसने मेरे लहंगे को, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये लुक। मैंने इसे स्टाइल किया हुआ है अपने झुमकों के साथ, वाइट कलर के मीनाकारी झुमके हैं। नाउ गाइस एज यू कैन सी इन दिस लुक मैंने यहाँ पे अपने लहंगे के साथ पेयर किया हुआ है एक हेवीली एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती जो कि है मेरे एक शरारा सूट की, और ये जो कुर्ती है पूरी फुल एम्ब्रॉयडर्ड है फ्रॉम बैक टू फ्रंट, पूरी तरीके से एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती है, बहुत ही हेवी कुर्ती है। और मैंने इस लहंगे में जो दुपट्टा है वो इस लहंगे का ही दुपट्टा यूज़ किया है, और आप देख सकते हैं कि अगेन ये मेरी जो कुर्ती और लहंगे और दुपट्टे का जो कॉम्बिनेशन है कितना साथ में जाता हुआ है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने अलग से कुर्ती ली है और बिल्कुल इसके साथ जा रहा है, बिकॉज जो मेरे दुपट्टे में है वो एक ओम्ब्रे टोन है मेरे दुपट्टे में गोल्ड और ऑरेंज का, तो वो मेरे कुर्ती को भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और आप जैसे कि मैंने बोला कि जो कुर्ती है बहुत ही अच्छे से एम्ब्रॉयडर्ड है, बहुत हेवी एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती है, तो मतलब फुल वर्क है, तो मैंने इसमें अगेन बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं रखी है, मैंने कान खाली ना रहे इसलिए बस स्टड्स पहने हुए हैं और हाथ में एक फिंगर रिंग पहनी हुई है बड़ी सी स्टोन वाली, और मुझे लगा ये मेरे पूरे लुक को बैलेंस कर रहा है और बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और काफ़ी अच्छा लुक लगा मुझे, बहुत ही पाकिस्तानी वाइब मुझे दे रहा है ये लुक, और बहुत इस तरीके के आउटफिट भी मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके के डिफरेंट लुक क्रिएट करना। तो आप भी अपनी अलग अलग तरह की कुर्तियों को पेयर करके देख सकते हैं, आप चाहें तो ए लाइन कुर्तियाँ भी पहन सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है,
रखी हैं उनमें आप दुपट्टा भी डिच कर सकते हैं अगर आप ए लाइन कुर्ती पहन रहे हैं तो, और वो थोड़ा सा अनारकली वाला ही फील रहेगा अगर आप उस तरीके की ए लाइन गैदर्ड वाली कुर्ती पहन रहे हैं या नॉर्मल ए लाइन कुर्ती पहन रहे हैं तो आप वो भी पहन सकते हैं, और चाहें तो आप इस तरीके की नॉर्मल स्लिट वाली कुर्ती पहन सकते हैं। तो आप अपनी कुर्तियों को भी अपने लहंगे के साथ पेयर कर सकते हैं और एक नया लुक क्रिएट कर सकते हैं। नाउ गाइस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लुक, मैंने यहाँ पे अपने लहंगे के साथ पेयर किया हुआ है एक टॉप। ये टॉप मैंने शीन से मंगाया था, ये मेरी लास्ट परचेज थी वहाँ से, और मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि मुझे ये टॉप यूज़ करना था, बट ऐसा कुछ तब तक मैंने आउटफिट क्रिएट नहीं किया, और फाइनली मैंने इस लहंगे के साथ इस टॉप को यूज़ करके देखा एंड आई थिंक इट हैज़ कम आउट रियली वेल। और मैंने यहाँ पे भी ज़्यादा एक्सेसराइजिंग नहीं करी है बिकॉज ये कम्प्लीटली वेस्टर्न आउटफिट का लुक दे रहा था मुझे, तो मैंने बस यहाँ पे चोकर नेकलेस यूज़ किया हुआ है जो कि मेरे लहंगे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो आप भी इस तरीके से अपने डिफरेंट टॉप को अपने लहंगे के साथ पेयर करके देख सकते हैं अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको इंडो वेस्टर्न आउटफिट पहनना बहुत पसंद है, जिन्हें लाइट रखना पसंद है, ज़्यादा हैवी पहनने का मन नहीं है, दुपट्टा डिच करने का मन है, तो इस तरीके के आप आउटफिट डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी टू क्रिएट है, आई थिंक हमारे पास टॉप्स होते हैं, बस हमें देखना पड़ता है हमें उसे किस आउटफिट के साथ किस बॉटम के साथ अच्छे से पेयर करें, और इस तरीके से आप ये लुक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेंटर पार्टिंग रख के बालों को खुला छोड़ा हुआ है, बालों को टाई नहीं किया, आप चाहें तो बालों को टाई कर सकते हैं, पोनी भी कर सकते हैं, बन भी बना सकते हैं, तो इस तरीके से आप अपने हेयरडो के साथ भी प्ले अराउंड कर सकते हैं, और ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से डिफरेंट टॉप्स अपने लहंगे के साथ पेयर करके और देखें कैसा लुक आता है। नाउ गाइस मूविंग ऑन टू अनदर लुक, ये मैंने यहाँ पे अपनी साड़ी के ब्लाउज़ को पेयर किया हुआ है अपने लहंगे के साथ। तो आप भी अपनी साड़ी के ब्लाउजेस देख सकते हैं जो लहंगे के साथ जाएं। ये मैंने एक ओनम की जो साड़ी थी, ओनम का जो लुक किया था दीपिका पादुकोण इंस्पायर्ड, उसकी जो साड़ी थी कसाबू साड़ी, उसका ब्लाउज़ है, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, काफ़ी एलिगेंट लगता है, इसका जो स्लीव वगैरह है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो उसे मैंने पेयर किया हुआ है। और आपके पास अगर गोल्ड और ऑफ वाइट में ब्लाउजेज़ हैं तो आपके मोस्टली किसी भी लहंगे के साथ वो बहुत ही इजीली चले जाएंगे बिकॉज लहंगों में मोस्टली गोल्ड का टोन होता ही है, तो आप अपने लहंगों के साथ इस तरीके के अपने साड़ी के ब्लाउजेज़ पेयर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिंक कुंदन में अगेन इयररिंग्स पहने हुए हैं और पर्ल का ही नेक पीस पहना हुआ है। मैंने हेवी बैंगल्स के साथ भी इस लुक को एक्सरसाइज किया हुआ है, मुझे बैंगल्स बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज बैंगल्स एक ऐसी एक्सेसरी है आई थिंक ये जो बहुत ही आपके लुक को ट्रेडिशनल और इंडियन बना देती है, और वो मुझे काफ़ी पसंद भी है पर्सनली, तो मैंने इस तरीके से इस लुक को क्रिएट किया है। तो आप भी ये कर सकते हैं, आप भी अपने डिफरेंट साड़ी के ब्लाउजेस को मैच कर सकते हैं अपने लहंगों के साथ, उनके साथ दूसरे लहंगों के दुपट्टे पेयर कर सकते हैं जो थोड़े हैवी बॉर्डर के साथ हों, और इस तरीके से आप अपने लुक को क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई थिंक इस तरीके के लुक शादियों वगैरह में काफ़ी अच्छे लगते हैं, और कहीं से नहीं लगेगा कि आपने जो ब्लाउज़ है वो किसी और साड़ी का पहना है, किसी और लहंगे का पहना है। अगर आप अच्छे से ऐसे पेयर करें, अच्छे से दुपट्टे के साथ अच्छे से ब्लाउज़ को बहुत अच्छे से एक्सेसराइज करें ज्वेलरी वगैरह से, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने किसी और लहंगे का या किसी और साड़ी का लिया हुआ है। तो आप डेफिनेटली इस तरीके के लुक को ज़रूर ट्राई करें। नाउ गाइस टॉकिंग अबाउट दिस लुक, मैंने यहाँ पे अपने लहंगे के साथ पेयर किया हुआ है ब्लैक कलर का स्लीवलेस ब्लाउज़। अब ये ब्लैक ब्लाउज़ बड़ा बेसिक होता है आई थिंक मोस्टली सबके पास होता है, अगर नहीं है तो आपके पास होगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल रहता है। आप अगर आपके पास ऐसा ब्लैक ब्लाउज़ है, आप कोई भी दुपट्टा मैच करिए और एक बहुत अच्छा सा लुक बन जाता है। मैंने यहाँ पे ब्लैक गोल्ड और रेड के कॉम्बिनेशन में ये दुपट्टा कैरी किया हुआ है। मेरे दुपट्टे के बॉर्डर में गोटा पट्टी वर्क है ऑरेंज के बॉर्डर के साथ, तो ये मेरे लहंगे के साथ बहुत अच्छे से जा रहा है, और अगेन जो ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन है वो ब्लाउज़ को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ऑरेंज गोटा पट्टी लहंगे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो मुझे ऑल इन ऑल एक राजस्थानी फील देता हुआ पूरा लुक लग रहा था। तो मैंने उसे ज्वेलरी भी इस तरीके की रखी है कि पूरा राजस्थानी लुक दे। मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम बोरला लगाया है अपने किसी भी लुक में, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा बोरला लगा कि आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजनल लुक देने लगा ये, और इसीलिए मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं हाथों में भी बहुत ही हैवी कड़े पहने हुए हैं, रेड ग्रीन गोल्ड और मतलब जो भी मेरे आउटफिट में कलर्स थे उन कलर्स को ध्यान में रखते हुए कड़े पहने हैं, और नेकपीस भी उसी तरीके का पहना हुआ है मैंने, चोकर नेक पीस जिसमें कुंदन और पोलकी वगैरह हैं, और ओवरऑल जो लुक देख सकते हैं अभी बहुत ही ट्रेडिशनल रीजनल लुक लग रहा है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, आप अपने दुपट्टों की हेल्प से रीजनल लुक्स क्रिएट कर सकते हैं अपने लहंगों और अपने आउटफिट के साथ। मैंने इस तरीके का भी एक वीडियो किया था जहाँ पर मैंने एक कुर्ता सेट को बहुत सारे रीजनल वे में स्टाइल किया था, तो आप उस तरीके के लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने कोई भी सॉलिड कलर का ब्लाउज ले लीजिए, ब्लैक कलर का ब्लाउज ले लीजिए, बहुत ही ईजी होता है, और अपने डिफरेंट दुपट्टों को पेयर करके एक अच्छा सा रीजनल लुक दीजिए और उसे कैरी करके जाइए। आप डेफिनेटली स्टैंड आउट करेंगे और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग लुक क्रिएट होगा।
नाउ गाइज दिस इज़ द लास्ट लुक विद दिस लहंगा। मैंने यहाँ पे कंट्रास्ट पिंक कलर का ब्लाउज अपने लहंगे के साथ पेयर किया हुआ है। ये ब्लाउज अगेन मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे बनाया था एक प्रोजेक्ट के लिए, और तब से ब्लाउज मेरे पास था तो मैंने उसे यहाँ पे पेयर किया हुआ है। और क्योंकि मेरे ब्लाउज का कलर पिंक है तो मैंने दूसरे लहंगे का दुपट्टा यहाँ पे पेयर किया हुआ है जिसमें दो शेड्स थे पिंक और ऑरेंज, तो मैंने इस तरीके से एक जैकेट का फील देते हुए दुपट्टा कैरी किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ मैंने पिंक रखा हुआ है और नीचे की तरफ मैंने ऑरेंज रखा है ताकि मेरे ब्लाउज और लहंगे को ये जो दुपट्टा है अच्छे से बैलेंस करे, ऐसा ना लगे कि मैंने कहीं और से ब्लाउज पहना है या दुपट्टा कहीं और से पहना है, पूरा लुक बैलेंस रहे और ऐसा लगे कि सेम कंप्लीट आउटफिट है ये। और इस तरीके से आप अलग अलग कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज भी पहन सकते हैं और जिसे कॉम्प्लीमेंट करता हुआ दुपट्टा अगर आप लेंगे तो ऐसा पूरा एक आउटफिट अच्छा सा लगेगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हेडो को पोनी में टाई किया हुआ है और हैवी ईयर रिंग्स पहने हैं, हाथों में दो फिंगर रिंग्स पहनी हुई है। तो आप इस तरीके के भी इंटरेस्टिंग लुक कर सकते हैं जहाँ पे आप ब्लाउज कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट कलर का पहन रहे हैं और उससे मैच करता हुआ दुपट्टा ले सकते हैं। तो ज़रूर आप इस तरीके के लुक्स भी ट्राई करें एंड आई होप आपको ये सारे लहंगे के लुक्स अच्छे लगे। मूविंग ऑन टू द ब्लाउज, तो जो सबसे पहला लुक मैंने ब्लाउज के साथ किया है वो ये है इस साड़ी के साथ। ये है शिफॉन की साड़ी, बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, ऑरेंज कलर की साड़ी है। आप देख सकते हैं पूरी प्रिंटेड है, इसमें पिंक ऑरेंज येलो में कॉम्बिनेशन में प्रिंट किया हुआ है और साड़ी में सिर्फ गोल्ड और ऑरेंज का बॉर्डर है। तो आई थिंक ये बहुत ही लाइट वेट साड़ी है और क्योंकि ऑलरेडी जो ब्लाउज था बहुत हैवी था तो आप एक लाइट वेट सॉलिड कलर में भी साड़ी पेयर कर सकते हैं ऐसे शिफॉन की, या प्रिंटेड भी पेयर कर सकते हैं। और बिकॉज ऑलरेडी प्रिंट से पूरा भरा हुआ है ये साड़ी लुक, तो मैंने ज़्यादा कुछ एक्सेसराइजिंग नहीं करी है, बस कानों में स्टड पहन लिए हैं ताकि कान खाली ना रहें और हाथों में बैंगल्स पहन लिए ऑरेंज और पिंक के कॉम्बिनेशन में। आप चाहें तो कड़े भी पहन सकते हैं अगर आपको बैंगल पहनना पसंद नहीं है। मुझे बैंगल पहनना पर्सनली बहुत अच्छा लगता है बिकॉज जैसा कि मैंने बोला बैंगल एक बहुत ही इंडियन ट्रेडिशनल लुक दे देता है, तो आई लव वेयरिंग बैंगल्स। तो आप इस तरीके से साड़ी के लुक्स कर सकते हैं, बहुत ही लाइट वेट साड़ी पेयर करिए अपने हैवी ब्लाउजेस के साथ और बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट हो जाता है। नाउ गाइस अगला जो लुक मैंने यहाँ पे किया हुआ है वो है ट्रेडिशनल बांधनी साड़ी के साथ। ये गुजराती साड़ी है और इस साड़ी के साथ एक मैंने कंप्लीट वीडियो किया था नवरात्रि के टाइम पे जहाँ पे मैंने डांडिया और गुजराती गरबा लुक्स किए हुए थे। तो वहाँ पे मैंने आई थिंक 5 या 6 तरीके से साड़ी को पहना था और बहुत ही प्यारी साड़ी लगती है और बहुत ही अगेन एक रीजनल फील दे देती है ये साड़ी। तो उस साड़ी में एक ऑरेंज कलर की डिटेल भी है और शिमर डिटेल है, सीक्वेन वर्क है, तो उसी सीक्वेन और शिमर को ध्यान में रखते हुए, ऑरेंज डिटेल को ध्यान में रखते हुए मैंने इसे अपने ऑरेंज ब्लाउज के साथ पेयर किया हुआ है। और अगेन क्योंकि ब्लाउज भी हैवी है, साड़ी भी बहुत ही ट्रेडिशनली बांधनी वर्क है, पूरी हैवी साड़ी है, तो मैंने हाथों में बस यहाँ पे कड़े पहने हैं और कान में इयर रिंग्स पहने हुए हैं। इस तरीके से लॉन्ग जो कुंदन में लटकन टाइप के इयर रिंग होते हैं वैसे मैंने पहने हुए हैं, बालों को ओपन रखा है। तो आप इस तरीके से रीजनल ट्रेडिशनल जो आपकी साड़ियाँ होती हैं हैवी बॉर्डर वाली, वो आप अपने ब्लाउजेस के साथ भी पेयर करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं। नाउ गाइस मूविंग ऑन टू द लास्ट साड़ी लुक, मैंने यहाँ पे ऑर्गेंजा सिल्क साड़ी पेयर करी हुई है अपने ऑरेंज सीक्वेंट ब्लाउज के साथ और आई थिंक ये लुक अगेन बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही एलिगेंट लुक लग रहा है ये। और इस तरीके की सिल्क साड़ी आप अपने ब्लाउजेस के साथ पेयर कर सकते हैं और यहाँ पे आप एक्सेसराइजिंग भी देख सकते हैं। मैंने सिर्फ एक नेकलेस पहना है और हाथों में कड़े पहने हुए हैं। नेकलेस जो है उसमें वाइट पर्ल वर्क किया हुआ है और ग्रीन और वाइट में कुंदन वर्क है, तो उसी तरीके से मैंने हाथ में भी पर्ल और कुंदन के कॉम्बिनेशन में कड़े पहने हुए हैं। तो आप भी इस तरीके से अपनी सिल्क की साड़ियाँ पहन सकते हैं, बहुत ही एलिगेंट पर्ल ज्वेलरी से उसे एक्सेसराइज कर सकते हैं और इस तरीके के लुक कैरी कर सकते हैं, डेफिनेटली अच्छा लगेगा। एक बहुत ही एलिगेंट सोबर लुक लगता है अगर आप इस तरीके की ऑर्गेंजा या सिल्क में साड़ियाँ पेयर कर सकते हैं करते हैं अपने ब्लाउजेस के साथ। एंड गाइस दीज आर द टू डिफरेंट दुपट्टा लुक्स जो मैंने अपने दो अलग अलग आउटफिट के साथ इस दुपट्टे को यूज़ किया हुआ है। तो आप इस तरीके से अपने दुपट्टे को भी अलग अलग वे में यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज दिस वॉज इट, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज कमेंट भी करिएगा, बिकॉज अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने ये वीडियो देखा है और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा वो जान के मुझे बहुत खुशी होगी और इन फ्यूचर मुझे किस तरीके की वीडियो पे काम करना है उसका एक आइडिया हो जाएगा। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।